कोकिला का इकलौता बेटा प्रभास उसका लाडला था, लेकिन उसने अपनी मर्जी से कविता से शादी कर ली थी। इस वजह से कोकिला कविता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो तो अपने बेटे प्रभास की शादी अपनी सहेली की बेटी डॉली से करवाना चाहती थी। एक दिन कविता कोकिला को खाना ला कर देती है। कविता के जाने के बाद कोकिला अपने पास रखी एक पुड़िया बाहर निकालती है और उसमें रखा सारा नमक और मिर्च खाने के ऊपर डाल देती है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। क्या हुआ माँ? अब क्या आप बताओ बेटा, जब से तू इस कविता को घर लाया है ना, तब से मैं अच्छा खाने को तरस गई हूँ। जरा ये चक्के तो देख, इसमें कितनी मिर्च है और सारा नमक भरा पड़ा है। अब मैं ये खाना खाऊंगी क्या? हाँ माँ, इसमें तो सच में बहुत नमक है, शायद गलती से पड़ गया होगा। छोटी मोटी गलतियां तो सभी से हो जाती है, तुम अपना मूड क्यों खराब कर लेती हो? तभी कविता भी रसोई घर से वहां आ जाती है। माँ जी, गलती मेरी है, आप नाराज मत होइए, मैं आपके लिए फिर से खाना बना कर ले आती हूँ। वाह वाह बेटी, तेरे बाप के घर मुफ्त का राशन आता होगा, हमारे यहाँ नहीं। इस तरह रोज रोज खाना बनाकर फेंकेंगे तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। एक भी काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं कहाँ से मेरे भोले भाले बेटे को अपनी जाल में फंसा के उससे शादी करके इस घर में आ गई। अब बस भी करो माँ, तुम इस घर की बड़ी हो, इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। कविता, तुम भी आइंदा ऐसी गलती मत करना। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। प्रभास वहां से चला जाता है और कविता भी रसोई घर में चली जाती है। तू चाहे कुछ भी कर ले बेटा, मैं इस डायन को घर से निकाल कर रहूंगी और डोली को अपनी बहू बनाकर ले आऊंगी। आखिर मेरा नाम भी कोकिला है, मैंने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली। फिर एक दिन प्रभास अपनी माँ को फोन करता है। हेलो माँ, आज शाम को मैं कविता को फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ, मैंने फिल्म की टिकट्स बुक करवा ली है, आप उसे तैयार होने के लिए बोल देना ना प्लीज। ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगी। शाम को प्रभास घर आता है। अरे कविता, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? इससे पहले कि कविता कुछ कहती, कोकिला बोल पड़ती है। अरे बेटा, मैं तो बहू से कब से कह रही हूँ, प्रभास आता होगा तो तैयार हो जा, लेकिन ये तो मेरी एक नहीं सुनती। कविता समझ जाती है कि उसकी सास झूठ बोल रही है। फिर भी कविता अपनी सास की बात से सहमति जताते हुए कहती है, अब सॉरी प्रभास, मैं भूल गई थी, अब तो फिल्म का टाइम निकल चुका है। कोई बात नहीं, फिल्म ना सही, हम आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। हाँ ये ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर के बाद दोनों बाहर चले जाते हैं। पता नहीं इस चुड़ैल ने मेरे बेटे पर कौन सा जादू मंतर करके रखा है, मेरा बेटा तो बस हर वक्त इसके पीछे दुम मिलाते घूमता रहता है। कोकिला प्रभास को कविता के खिलाफ भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, लेकिन कविता उसके इस बर्ताव को अनदेखा करके दिन रात अपने सास ससुर की सेवा करती थी। कुछ दिनों के बाद डॉली वहां आती है। अरे डॉली बेटा, बड़े दिनों के बाद आई है, बैठ बेटा। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ माँ जी, मैं आज फैसला करने आई हूँ। आप तो कह रही थी बस कुछ दिनों की बात है, आप बहुत जल्द उस चुड़ैल को घर से बाहर निकाल देंगी और अपने बेटे की शादी मुझसे करवा लेंगी और अपने बेटे से मेरी शादी करवा देंगी। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आपको क्या लगता है पूरे शहर में बस आपका ही बेटा है? अरे मुझे तो रोज बड़े बड़े घर से रिश्ते आते हैं, मैं आपको कुछ दिनों की मोहलत और दे रही हूँ, उसके बाद मैं किसी दूसरे लड़के से शादी कर लूंगी, चलती हूँ। डॉली की जाती ही, देख लो ये है तुम्हारी पसंद और एक है हमारी बहू जो दिन रात तुम्हारी सेवा करती है, और आज तक उसने कभी भी तुमसे ऊंची आवाज में बात करना तो दूर, कभी तुमसे नजर मिला के भी बात नहीं की, और तुम हो कि इस परकटी और नकचढ़ी लड़की के लिए अपनी सीधी सादी बहू को घर से निकालने की सोच रही थी। आज इसके ये तेवर है, जरा सोचो आगे चलकर ये क्या करेगी। अपने पति की बातें सुनकर कोकिला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, मैं आज तक अपनी बहू के साथ गलत सलूक करती आई हूँ, मेरी गलती है,
जो मैं सीता और सुपर्णखा में फर्क नहीं कर पाई थी। उस दिन के बाद से कोकिला की सोच और उसका व्यवहार अपनी बहू के लिए पूरी तरह बदल जाता है। शिक्षा, हमें कभी भी बाहर वालों की बातों में आकर घर के रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहिए।